हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑरम मेटेटिकम पार्ट टू के बारे में। इसको आप किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो है ऑरम मेटेटिकम का पहला सिम्टम है रिलीजियस मेलनकोलिया। माने जो है इसका पेशेंट जो है, चूंकि इसके पेशेंट को डिप्रेशन का शिकार रहता है, ये जो है हमेशा धार्मिक वाला काम किया करता है, हमेशा प्रार्थना करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हम जो है अनफिट हैं इस संसार के लिए, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ इज बर्डन फॉर हिम, क्योंकि डिप्रेशन है। इसलिए प्रार्थना भी करता है अपने मन को सांत्वना देने के लिए। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है ऑरम मेटेटिकम 30 4 4 गोली दिन में 3 बार दीजिए। दोस्तों, मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऑरम मेटेटिकम ऐसी दवाई है, आप इसको जो है 30 पावर में 4 4 गोली 3 बार इसको आप हमेशा दे सकते हैं। खाली आपको जो ये देखना है कि जो है इसको हाई पावर में नहीं देना है, खाली लोअर पावर में देना है। तो आप जो है हायर पोटेंसी के चक्कर में मत पड़िए इस मेडिसिन के बारे में। हम हर मेडिसिन का खाली सिम्टम बता रहे हैं, क्योंकि इसका डोज आपको वही देना है 4 4 गोली गोली नंबर 40, 4 4 गोली दिन में 3 बार इसको लगातार लीजिए। बीमारी का सिम्टम जो आपको मिले, आपको डोज एक ही देना है, इसमें कोई डोज में कोई चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है आँख पर जो है, ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में इन्फेक्शन हो गया, रेटिना में इन्फेक्शन हो गया, रेटिना के अंदर जो है ब्लड जमा हो गया, तो ये सब सिम्टम में आप जो है ऑरम मेटेटिकम 4 4 गोली दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। आपका रेटिना में जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा, आपके कॉर्निया में कोई भी इन्फेक्शन रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है गैंग्रीन पर। यह जो है गैंग्रीन पर बहुत अच्छा काम करती है। गैंग्रीन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो कम हो जाती है, तो उस पार्ट को काट के निकाल देना पड़ता है। उसके बाद में फिर अगले पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उस पार्ट को निकाल देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनका गैंग्रीन से पैर हाथ कट चुका है, तो क्योंकि वो देरी कर देते हैं। सोलिंग है, अगर गैंग्रीन हो गया उसके पहले सोलिंग होती है, उसके बाद में इडिमा होता है, माने जहाँ पर दबाएंगे वहाँ पर गड्ढा पड़ जाएगा, ठंडा उस जगह जो है बर्दाश्त नहीं होगा। और इसका सिम्टम जो है रात में ऐसा बढ़ता है, आपको नींद नहीं आती है, और उसके साथ में आप जानते हैं डिप्रेशन रहेगा ही, ऐसा सिम्टम मिलता है। तो आप ऑरम मेटेटिकम 30 दिन में 3 बार करके दे दीजिए। अगर गैंग्रीन का शुरुआत है, शुरुआती स्टेज में है, तो आपका आस्ते आस्ते दवाई खाएंगे तो आपका गैंग्रीन बढ़ेगा नहीं, आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर जो है लिप्स में कैंसर हो या जो है टंग में कैंसर हो और इनिशियल स्टेज हो, तो आप जो है ऑरम मेटेटिकम ले सकते हैं। इसके अलावा एक और कैंसर होता है, अगर ग्लैंड में कैंसर हो, तो आप जो है पहले ऑरम मेटेटिकम के बीच में सोचिए, क्योंकि ऑरम मेटेटिकम जो है ग्लैंड में जो कैंसर होता है, इसकी बहुत बढ़िया दवाई है। ऑरम मेटेटिकम जो है इसको दिन में 3 बार करके लगातार ले लीजिए, 3 4 महीने तक ले लीजिए, आपको लगातार लेनी है, और बीच बीच में कुछ और दवाई देनी है, जिससे आपको हमसे या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको शुरुआत इसी दवाई से करना है। इसी दवाई से आस्ते आस्ते जो है कैंसर जो है ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। अगर आपको यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है, आप जो है ऑपरेशन करवा लिए हैं, फिर स्ट्रक्चर जा रहा है, तो ऐसे केस में आप जो है ऑरम मेटेटिकम 30 पावर की दिन में 3 बार लगातार दे लीजिए, आपका स्ट्रक्चर जो है ठीक हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको यूरिन के बारे में बताया था कि यूरिन जो है, यूरिन का जो बेग है संभालना मुश्किल होता है, जब पेशाब लगती है तो तुरंत भागना पड़ता है, तो उसका पहला सिम्टम हो गया। और दूसरा सिम्टम हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है और बार बार हो रहा है, तो आप ऑरम मेटेटिकम दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम माउथ पर है, गम्स पर है। इसमें क्या होता है, गम्स में सोलिंग आ जाती है, एकदम लाल हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है। गम्स को जरा भी आप जो है छुएंगे तो बहुत दर्द करेगा, इसके बाद में ब्लीडिंग होती है। तो दोस्तों, ये सिम्टम जो है बहुत सी दवाइयों में है, जैसे कि कार्बोवेज में है और विशेषकर मर्क साल में है। अगर आपके पास कार्बोवेज है तब आप कार्बोवेज लीजिए, और मर्क साल है तो मर्क साल लीजिए, लेकिन अगर दोनों में कोई भी दवा नहीं है तो आप जो है ऑरम मेटेटिकम ही लीजिए। इसी से आपका जो है गम्स की जो भी प्रॉब्लम रहेगी ये आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हमारे जो शरीर में ब्लड वेसल्स जो है आर्टरी वेन, जिसमें से लगातार 24 घंटा खून का दौरा चल रहा है लगातार, एज के अनुसार जो है ये जो है नैरो हो जाती है, इसमें जो है ब्लड जो है जाम होने लगता है और ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ओल्ड एज की बीमारी है,
और मेटाडकम इसकी जो है बहुत बढ़िया दवाई है, दिन में 3 बार करके लीजिए, आपकी ब्लड वेसल्स जो है स्वस्थ हो जाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स जो नैरो हो गई है, जो हार्ड हो गई है, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है बहुत ईजी है, अगर आपको जो है घुटने से लेकर पाँव तक जो है दर्द करता है और टायर्डनेस रहता है, पाँव में जो हमेशा टायर्ड रहता है, तो ऐसा सिम्टम कभी कभी जो है हर आदमी को कभी कभी मिलता है कि घुटने से लेकर पाँव तक दर्द करता है और पेनफुल है, टायर्डनेस रहता है, हमेशा लगता है टायर्डनेस है, तो ऐसे सिम्टम में जो है आप ऑरम मेटाडकम दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम जो है 5-6 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाएगा, और जब ठीक हो जाएगा तो बंद कर दीजिए। इसका अगला सिम्टम है, पहले ही बता दिए हैं कि ये जो है डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवाई है, और इसका पेशेंट हमेशा सुसाइड करने की इच्छा होती है, लेकिन इसमें जो है सुसाइड करने की इतनी इच्छा होती है कि उसके मन में ऐसा आता है कि खिड़की खोले और खिड़की से कूद जाए, ऐसा सिम्टम जो है और सारी मेडिसिन में है, लेकिन ऑरम मेटाडकम में क्या है आत्महत्या करने का वो रास्ता खोज लेता है, उसके मन में बार बार विचार आता है खिड़की खोल लें और नीचे जम कर जाएँ, तो ऐसा सिम्टम अगर है तो ऑरम मेटाडकम ये काम करेगी। ऑरम मेटाडकम 30 दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए, पेशेंट का ये मेंटलिटी और पेशेंट का ये डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है वाइटिगो पर, चक्कर पर, जैसे चक्कर पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो एक बार हम चक्कर पर सब दवाइयाँ एक साथ करके आपको बता देंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसका चक्कर में क्या मेन चीज़ होता है कि जब आप चलते हैं तो आपको लगता है कि बाएं साइड में गिर जाएंगे, तो ऐसा अगर बाएं साइड में गिरने का चक्कर का सिम्टम रहे तो आप ऑरम मेटाडकम ले लीजिए, आपका चक्कर जो है इस तरह का चक्कर ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम आई पर है, आई पर जो है इसका बहुत बढ़िया सिम्टम है कि आपको आँख के सामने लगता है जैसे आप कहीं देखे होंगे रास्ते में वो गैस से काम करते हैं उसमें स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग निकलता है, तो अगर आपके आँख के सामने आपको चिंगारी की तरह निकले जिसको बोलते हैं फायरी स्पार्क, तो आप ऑरम मेटाडकम ले लीजिए 3 बार, आपका आस्ते आस्ते ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है किडनी पर, नेफ्राइटिस जो होती है किडनी जो है फूल जाती है, चाहे वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो और चाहे जो है इन्फेक्शन हो, अगर आपकी किडनी जो है फैल गई है, फूल गई है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो आप जो है ऑरम मेटाडकम 30 पावर में दिन में 3 बार दाना में गोली में लीजिए, ग्लूकोज में लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते 2-3 महीना में ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है फीमेल पर, जैसे आप जानते हैं कि लीवर बढ़ जाता है तो चिलीडोनियम देना पड़ता है, इसी तरह से अगर आपका जो है ओवरी फीमेल में अगर ओवरी बढ़ गया है और ओवरी में पानी हो गया है, आपके एक्सरे रिपोर्ट में आ गया है ऐसा सिम्टम अगर है, तो आप जो है ऑरम मेटाडकम दिन में 3 बार लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके साथ में कुछ और दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन आप इसी दवाई शुरू कर सकते हैं, इसी दवाई से आपका आस्ते आस्ते जो है ओवरी नॉर्मल हो जाएगी और ओवरी में जो ओवरी फूल गई है, ओवरी में पानी हो गया, ड्रॉप्सी हो गया ओवरी में, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है स्टेरिलिटी पर, जिसको बोलते हैं बांझपन, तो अगर मेल का रिपोर्ट ठीक है और फीमेल का भी सब रिपोर्ट ठीक है, लेकिन आपका वाइटलिटी कम है, उसके साथ में डिप्रेशन है, माने कहने का मतलब कि आपका सब रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आप सुस्त हैं, लैक ऑफ वाइटलिटी है, तो आप जो है इस दवाई पे भरोसा करके लगातार 3 बार ले लीजिए, भगवान चाहेंगे तो आपका जो है आपको बच्चा हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है नींद पर, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, तो आपको जो है डॉक्टर बोलेंगे मशीन लगाने के लिए, मशीन से आपको नींद आती है, अगर किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है तो उनको ऑरम मेटाडकम 30 पावर की दिन में 3 बार लगातार लेनी चाहिए, इससे उनका आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा, उनकी स्लीप नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको ऑरम मेटाडकम के बारे में Part 1 और Part 2 के बारे में आज क्लियर कर दिया, अगर आपको कुछ डाउट हो या आप कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमको WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ WhatsApp में सारा प्रॉब्लम लिख के भेज देना है। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको पसंद कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।